जय बजरंगबली। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही हैं नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं, ये दो नहीं असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी आराध्य और आराध्य के भक्तों की सिवाय उन्हें हर युग और हर समय में उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे, वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधवदास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान हैं। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी थी। यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। हनुमान के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र भी हुआ। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था, मारुत अर्थात वायु, इसलिए इन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है और इन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा। मतंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहां उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं और उनके संकटों को हरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंग बली को चिरंजीवी का वरदान किसने और क्यों दिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में वह श्री
सहयोगी के रूप में लड़े थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया था। वह अनन्य भक्त के रूप में हर दिन उनकी सेवा करते थे, लेकिन जब भगवान श्री राम ने गोलोक प्रस्थान करने का विचार किया तब यह सुनकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए और वह सीता जी के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचे। हनुमान जी से माता सीता से कहा कि माता, आपने अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु यह नहीं बताया कि जब मेरे प्रभु राम धरती से चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगा। यह कहते ही राम भक्त वापस वरदान लेने की हट करने लगे। तब सीता माता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें यह वरदान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही करोगे। अपने प्रभु की बात सुनकर हनुमान जी ने अपने हट को त्याग दिया और इस वरदान को श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं और उनका बेड़ा पार लगाते हैं।